दोस्तों आज एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अदरक की। अदरक में कई सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, घरों में भी हम इसका कई तरह की पकवानों में हम उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम इसके जो फायदे या इनका उपयोग है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अदरक को कैसे लगाना है, कब लगाना है, और इसको हार्वेस्टिंग करने के लिए दोस्तों कितना टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अदरक को लगाने का सही समय क्या है और इसके जो बीज हैं वो कहाँ से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अदरक को लगाने का सही समय 15 अप्रैल से लेकर बरसात की शुरुआती तक है, आप इन दिनों में कभी भी इसको लगा सकते हैं। अदरक को दोस्तों इसके कंद के द्वारा लगाया जाता है। इसके जो कंद हैं आपको एग्रीकल्चर स्टोर या फिर जो बीज भंडार की दुकान होती है वहां पर मिल जाएंगे। और अगर आपने भी हमारी तरह स्टोर करके रखे हुए हैं तो उनको भी आप लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं इनके ये जो कंद हैं उनको लगाना कैसे है। इनको लगाने से पहले उस जगह की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है जहां हम अदरक को लगाने वाले हैं। हमने इस जगह की एक बार तो गुड़ाई कर ली है दोस्तों, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने के बाद इसमें जो खरपतवार वगैरह है उसको निकाल लेंगे, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपको दिखती है तो आप उसे भी निकाल लीजिए। ये सब करने के बाद अब हमारा जो खेत है वो तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे कंपोस्ट। दोस्तों हम जो इसमें कंपोस्ट डालेंगे वो कॉडन कंपोस्ट डालेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा कॉडन कंपोस्ट का डंप। यहाँ से हम इस खाद को लेंगे, लेकिन दोस्तों याद रहे आप जो खाद यूज कर रहे हैं वो अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट होनी चाहिए। कम से कम दोस्तों 6 से 7 महीने पुरानी अगर आपके पास खाद है तो उसका आप उपयोग करिए। हमारी ये जो खाद है देखिए अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हो चुकी है, इसी का उपयोग हम उस जगह पर करने वाले हैं जहां हम अदरक लगाएंगे। तो अभी हमने खाद डाल दी है और खाद को डालने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिया है। इसके लिए हमने एक बार फिर से मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और उस जगह को समतल भी कर दिया है। अब बारी है अदरक लगाने की। जब भी आप अदरक लगाएं तो थोड़ी सी दूरी बनाकर ही इसके जो कंद हैं उनको लगाएं। पौधे के बीज की दूरी कम से कम 9 सेंटीमीटर से लेकर 1 फुट तक की होनी चाहिए, और इसके कंद को आपने ज़्यादा गहरा भी नहीं लगाना है। 3 से 4 इंच की गहराई में इनको आप लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जो बात है वो बताना चाहता हूँ। आप ये जो कंद देख रहे हैं इनको हमने पिछली बार जब अदरक हार्वेस्ट किया था उसी में से सेव करके रखा था। तो कैसे सेव रखना है अगर आप नहीं जानते तो आइए इसका भी उपाय आपको बताते हैं। दोस्तों जब भी आप अदरक को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद कम से कम 1 मंथ के लिए आप उन्हें खुले में रख दीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि ये थोड़े से सूख चुके हैं तो आप इन्हें किसी रेत वाले कंटेनर में रख दीजिए। आप चाहें तो मिट्टी में खड्डा करके उसमें रेत डाल करके भी इनको उसमें डाल सकते हैं। और एक ख्याल दोस्तों आपको इसमें जरूर रखना है कि इसमें जो है वो नमी बनी रहनी चाहिए। 1-2 दिन के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा जो पानी का है वो स्प्रे करते रहिए। और जब इनको लगाने का दोस्तों टाइम आएगा, जब आप इनको निकालेंगे तो आप देखेंगे इनमें रूट्स हैं, साथ ही इनमें जो बिसल सूट हैं वो भी आ चुकी होंगी। तो आप इनको जहां मर्जी चाहें आप लगा सकते हैं। दोस्तों हमने यहां पर अदरक को लगा दिया है, और उसके बाद जो अदरक हमने लगाया है उसको थोड़ी थोड़ी मिट्टी से कवर कर देना है। अब हमारे जो अदरक के कंद थे या जो बीज थे वो हमने लगा दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब एक बहुत ही ज़रूरी काम आपको करना है, वो काम है दोस्तों अब आपको पत्तों की छाल लेनी है और जो अदरक आपने लगाया है पूरे अदरक को पत्तों की छाल से कवर कर देना है। ऐसा दोस्तों आपको इसलिए करना है क्योंकि जो हमने अदरक लगाया है उसमें जो न्यू जो शूट्स हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, अगर उनको ज़्यादा धूप मिलेगी तो वो डैमेज हो जाएंगे। अगर हमारी जो मिट्टी है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी तब भी ये जो शूट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। अगर हम इन पत्तों का यूज़ करेंगे तो जो डायरेक्ट धूप है इन पत्तों पर पड़ेगी और ज़्यादा असर हमारे जो ये अदरक के प्लांट हैं जो हमने अदरक के कंद उनको नहीं पड़ेगी। हमने जो अदरक लगाया है वो धूप से थोड़े सेफ रहेंगे। तो आपको दोस्तों अदरक लगाने के बाद उन पर ये पत्तों की छाल का जो कवर है वो जरूर लगाना है ताकि आपके जो प्लांट हैं वो धूप से सेफ रह सकें। अभी दोस्तों जैसा कि गर्मी के दिन हैं और बहुत तेज जो धूप है वो भी होती है, तो इसमें जो नमी है वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जिन पत्तों का यूज हमने अदरक वाली ज़मीन को कवर करने के लिए किया है ये पत्ते दोस्तों ज़मीन में नमी को होल्ड करके रखेंगे।
इन पत्तों का दोस्तों अगर आप यूज करते हैं तो आपकी जो जमीन है वो जल्दी सूखेगी नहीं, आपकी जमीन में नमी दोस्तों लंबे समय तक बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों आपको रेगुलर अंतराल के बाद अपने इन प्लांट्स के ऊपर या इन पत्तों के ऊपर जो स्प्रे है पानी की वो करते रहना है ताकि इसमें जो नमी है वो बरकरार रहे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप अदरक की फसल को लगाते हैं तो 6 से 9 मंथ के बीच में आपकी ये जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। तो तैयार होने के बाद आप इसे जब चाहे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्लीज अगर आप चैनल में नए हैं, अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए दोस्तों ताकि हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल सके। इसी वीडियो के साथ दोस्तों दीजिए हमें आज्ञा, मिलेंगे इसी तरह की किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।